चलो चलो नहाने चले, चलो आ जाओ, चलो गुड बॉय, आओ ना सुनो, आओ ना। ये क्या बदतमीजी है, नहाना नहीं है, नहाना नहीं, गंदे 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 गंदे, आ जाओ ऊपर ऊपर, ये लो चलो नहाए। ब्रूनो का अपना शैम्पू खत्म हुआ है तो हम उसको मंबल के शैम्पू से नहला रहे हैं। इधर आओ, इधर आ जाओ, पानी का प्रेशर भी नहीं आ रहा। तो जी ये ठीक ठाक गंदा हुआ था और इसको मैंने काफ़ी टाइम नहीं आई थिंक हफ्ते बाद मिला दिया, एंड क्योंकि जो गर्मी का हाल है उसके हिसाब से भी बनता था नहाना, तो आई एम रियली ग्लैड ही इज डन। मियाँ मेरे से पूछ रही है साथ तुम भी ना आए हो, मैंने कहा हाँ पसीने में, क्योंकि इसको नहलाना इतना मुश्किल है, क्योंकि उसका साइज़ देखें तो लिटरली ये हालत हो जाती है नहलाते नहलाते। तो जी जब भी किसी की शादी होती है तो जो कपल होता है वो अपने अपने रूल्स बनाते हैं, हर किसी के अपने रूल्स होते हैं कि जी गाड़ी में टैंक तुम फुल कराओगे या बिल्स मैं दूंगी या हम यू नो 50-50 पूल इन करेंगे, यू नो डिफरेंट डिफरेंट रूल्स होते हैं। तो हमने रिसेंटली एक रूल बनाया, वो इसलिए कि बिजली का बिल आ रहा था बहुत ज़्यादा, तो हमने डिसाइड किया कि हम पीक आवर्स में मतलब कि रात को 6 से 11 हम एसी नहीं चलाएंगे और दिन में हम एसी नहीं चलाएंगे, जितनी मर्जी चर्बी चढ़ गई, क्योंकि चर्बी हमें ठीक ठाक चढ़ चुकी थी और बहुत गर्मी लगना शुरू हो जाती थी। तो आप कभी नोटिस करें कि आप जब बहुत ज़्यादा आराम तलब हो जाते हैं ना, एसी में रहने की आपको आदत हो जाती है और पंखे से आपको चिड़चिड़ती है, तब आप में आ जाता है बहुत ज़्यादा कम्फर्ट की एक चीज़ आ जाती है और फिर आपसे गर्मी में रहा नहीं जाता। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने ये रूल बनाया, एंड बिकॉज तकरीबन कोई 35 रुपये का यूनिट है, आई एम टेलिंग देम अबाउट आर एसी रूल। तो आज इतनी गर्मी है कि हमें वो रूल तोड़ना पड़ा और एसी चल रहा है, बिकॉज और एसी में भी मुझे पसीना आ रहा है, इट्स रियली 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 हॉट टुडे। जस्ट इन केस यू डोंट बिलीव मी, तो आप ये देख सकते हैं कि मुझे पसीना आ रहा है। कैन यू प्लीज टेल देम अबाउट आवर नो एसी रूल एंड द नॉन पीक आवर एसी रूल। यस, सो वी हैव अ नॉन एसी रूल कि 6 से 11 बजे मैं किसी को भी एसी नहीं चलाने देती घर में, और मैं इंस्पेक्शन करती रहती हूँ, जिस जिसका चल रहा था जाके बंद करती रहती हूँ, ये मेरी और अम्मा की ड्यूटी है। बट आज इस बेचारा सुबह का उठा हुआ है, इतने काम कर रहा है, रात में सारी आम की पेटियाँ उठा के ऊपर लाई, फिर सुबह में वापस सारी आम की पेटियाँ उठा के नीचे लेके गया, फिर और भी काम किए, टैंकर शैंकर डलवाए, तो मैंने बोला चलो आज चला लो फॉर एन आवर ओनली। आई ऑनेस्टली फील इट्स नॉट इवन हेल्पिंग, I'm melting. पंखा चलाओ। And this is my macro friendly क्या बिरयानी, पुलाव? पुलाव बिरयानी। पुलाव बिरयानी अच्छी made, which I'm going to. निखत्स किचन की रेसिपी से बनाई है और निखत्स किचन से ऐसी अप्रूव हुई है कि उन्होंने तुम्हारे में से निकाल के थोड़ी सी खा ली है। I'm excited to have it now. अगर ये वाकई उस लेवल पे है। Excuse me. Stop. Stop. What? दुआ कौन पढ़ेगा? क्या क्या होती है दुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे मैं सूरह फातिहा पढ़ती हूँ। रिव्यूज प्लीज। यार अगर लोगों को डाइट पे मिल जाए, सारी दुनिया ही डाइट करेगी। हाँ सही बात है, सो नाइस। मेरी कितनी सेविंग गई है? 3 है, मतलब इस तरह की नहीं, इसमें मैंने थोड़ी ज्यादा दी क्योंकि ज्यादा भूख लग रही थी, बट द अदर 2 आर लिटिल लेस। बट गाइस अगर आपको भी ये बनानी है तो आप निघत्स किचन की पुलाव बिरयानी रेसिपी लें, निघत्स किचन की पुलाव बिरयानी रेसिपी लें और उसके जो अमाउंट्स हैं वो आप अपनी डाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लें। मैंने क्या किया है कि मैंने क्योंकि 2 लोगों का खाना बनाया तो आई टुक अबाउट 1 kg ऑफ राइस, 1 kg ऑफ चिकन एंड 400 grams राइस, लाइक 200 ग्राम ईच। 2 tablespoons मैंने घी डाले उसमें, सो 1 tablespoon फॉर ईच। सो ये 2 tablespoons घी में बनी है 6 servings, एक बंदे की 3 servings बन गए, एंड इट टेस्ट सो गुड। मैंने अम्मा को ट्राई करा, अम्मा लाइक थोड़ी सी मेरे लिए ले आओ ना, मैं ले, मैंने बोला वाकई मम्मूती चावल इतने खिले खिले हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा डाइट की बनी हुई है, मेरे जैसा टेस्ट आ रहा है बिल्कुल। सो आई एम Approved. अब इससे पहले कि ये टास्क भी आगे चली जाए और ये भी मैं ना कर सकूं, तो अभी मुझे जाना है एक्सचेंज, वहां से पैसे कलेक्ट करने हैं और फिर हेयर कट करवानी है। जेट स्पोर्ट मिलेगी? Yeah. एक दे दे। बहुत गर्मी है यार, मुझे तो लगता है बस यही अब गर्मी बुझा सकती है। आई थिंक काम चल जाएगा। वालेकुम जी, कैसे हैं? तो जी ये काम भी फाइनली हो ही गया, काफी दिनों से मैं टाल रहा था, एंड दिस इज डन। अब जरा चलते हैं, बाल कटा लेते हैं, बहुत अनटाइडी फील हो रहा है।
वालेकुम फजान भाई, कैसे हैं? जस्ट इन केस यू वंडरिंग, मेरी नाक नहीं टूटी और ये बैंडेड नहीं है। ये फजान भाई क्या है? ये नोज स्ट्रिप है, ब्लैक हेड्स वगैरह के लिए, व्हाइट हेड्स के लिए, उनको रिमूव करने के लिए। क्या तो लगा दूँ? लगा देंगे। टोनिया को क्योंकि अच्छा नहीं लगा था, फर्स्ट शी सेड दैट इट लुक्स नाइस, बाद में शी सेड दैट यू लुक लाइक अ चुचोरा। तो फजान भाई इससे पहले घर जाके इज्जत हो ये जरा लेवल कर दें प्लीज। तो जी ये अब उतरने वाला है, जरा रिजल्ट देखते हैं है भी कि नहीं। ये ऐसे ही बस थोड़ी साफ लग रही है। ओके फजान भाई, ओके हाफिज। जाते जाते मैंने सोचा कि अनिया के लिए फूल ले लेते हैं, तो यहाँ पे मैं ज़रा फ्लावर मार्केट आ गया F10 में, तो ज़रा फ्लावर्स वगैरह ले लेते हैं बिकॉज यहाँ पे थोड़े से बेहतर मिलते हैं एंड काफ़ी टाइम में कुछ को लेके नहीं दिए। क्रिसेंथेमम्स किधर है? कौन से वाले? ये वाले क्रिसेंथेमम। ये है क्रिसेंथेमम, दिखाइएगा। थैंक यू सो मच। मुझे अनिया जरा गुस्सा हो रही है कि तुम इतनी देर से कहाँ हो। मैंने कहा कुछ काम है। शी इज लाइक व्हाट? आई एम लाइक घर आके बताता हूँ। तो अब जरा देखते हैं घर जाके। Chrysanthemums. Fancy. Stop recording. Oh, देखो mangoes खाने आई। मैंने Bruno को mangoes और अम्मा ने Bruno's. Bruno को mango और वो दिए थे दही, और वो जो solid mango था वो छोड़ दिया, उसने सारा दही वाला mix हुआ mango खा लिया। तुम कहाँ थे इतनी देर से? वैसे मैं पहले exchange किया, फिर मैंने दाढ़ी बनाई, फिर मैंने cutting करवाई, फिर मैंने Dewatson गया, फिर मैं उधर गया फूल लेने। Chrysanthemums. अच्छा मैं जा रही हूँ हमना को डॉक्टर के पास लेके। Really? हाँ बस उसका 9:30 का अपॉइंटमेंट है ना। ओके ओके बाय। इधर आना। आई क्लीन योर कबर्ड्स अगेन। सो ऑर्गेनाइज्ड यार। अब अगर गंदी हुई ना तो तुम बाहर सोफे पे सोगे और तुम्हारे कपड़े सारे उठा कर फेंकूंगी, छत से अपने लेके आऊंगी और यहाँ रखूंगी। ओके बाय। Bye. तो जी कोई 4-6 घंटे वेट करने के बाद अभी मेरी बेगम आई है। मैं वेट कर रहा था, मैंने चेंज भी कर लिया अपने नाइट सूट में और ये बैठी है यहाँ पे। मैंने कहा खाना निकाल दो, बट नो, कहने खुद निकालो। गर्मी में खड़े होके मैंने 2 घंटे जो पकाया है पूरा हांडी, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। निकाल के तुम्हें योर हाइनेस को गर्म करके नहीं दिया, वो उसकी शिकायत कर रहे हो सबको। तो तुम कुछ भी खुद नहीं कर सकते? तुम्हारी अलमारियां साफ नहीं। मैंने आप लोग सब लिखे नीचे कि ही शुड गेट इट हिमसेल्फ। अच्छा गाइस एक बात बताता हूँ आपको, अनिया ने अभी भी मुझे बताया, हमने एक वीडियो लगाई थी कि हमारे ना कमरे में बहुत ज्यादा कीड़ियां हो गई थी, तो यू नो कीड़ियों को मारा था। कीड़ियां? मतलब कीड़िया ही कीड़िया। तो और क्या होता है? बोली एलजीएस से पढ़ के कीड़िया बोल रहे। और क्या होता है? चूंटियां होता है। चूंटियां और कीड़े होता है। कीड़िया होता है। कीड़िया कुछ नहीं होता। कीड़िया होता है कि चूंटियां होती है, आप बताएं। तो फिर अनिया ने मुझे बोला कि वो चली गई। किसी ने कमेंट में बताया था कि आपको उनको मारना नहीं चाहिए, आप उनसे प्यार से बोलें कि आप यहाँ से चली जाओ, तो वो चली जाती है। व्हाट हैपेंड? यार मैंने उनको कल बहुत प्यार से बोला बहन भाई हमें बहुत जोर से काटते हैं, अब खारिश होती है, आप प्लीज चली जाए। तो वो बिल्कुल खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन थोड़ी मिकदार में कम हो गई। चलिए ये मेरी सबसे नहीं सबसे छोटी नहीं सबसे छोटी से थोड़ी सी बड़ी साली है। अच्छा नबिया की जो है ना, नबिया की स्पेशलिटी है कि नबिया की बात पे हंसी नहीं आएगी, लेकिन नबिया की हंसी पे हंसी आएगी। नबिया हंस के दिखाओ। अभी कहाँ से हंस के दिखाओ, फेक थोड़ी होता है। अंदर से आता है। नबिया कचरा रहे नहीं, ये वाला नहीं असली वाला ना। ऑकवर्ड बच्चों वाली मूविया नहीं देखी यार, बड़ा हो गया सर। मैंने बचपन में वो देखा है, भीम, छोटा भीम। बेटा वो तो आप लोगों ने देखा है। इन लोगों ने देखा है, आप लोगों ने देखा है हागी मारू और छोटा भीम। मैंने जिंदगी में कभी नहीं हागी मारू का नाम सुना। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। डोरीमोन, हागी मारू, डोरीमोन तो मैंने जिंदगी में, डोरीमोन लगता ही नहीं था भाई, बैन हो गया था इंडिया, कसम खुदा की। झूठियो, इन लोगों पे
मम्मा लिटरली रोज बैठ के लेक्चर देखती थी, तू कार्टून ना देखा करो, भीम 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 छोटा भीम छोटा भीम। अरे मैं आपको कुछ भेजा देखे, मुझे उस पर सियारियां नहीं खाई गई। अली नबिया बोली ये तुम हो, ये वीडियो देख भेजी उसने। आज हम लोग यहाँ पे हैं, ब्लॉग बन रहा है भाई। हेलो, आज हम लोग वहाँ पार्किंग कर ब्लॉग बन रहा है। सेंसर करना पड़ेगा। एक दफा गाइस गाइस हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे, मैं गाड़ी चलाई थी, अली साथ में बैठा था, तूनियो मेरी बेस्ट फ्रेंड और नबिया साथ में पीछे बैठे हुए थे। अली कोई वीडियो बना रहा था और नबिया और तूनियो पीछे से हंस रहे थे। मैं नहीं बना रहा हूँ वीडियो, मुझे कोई सीरियसली नहीं ले रहा। चलो सॉरी, अब बना रहा था, तुम लोग सॉरी कह रहे हो तो ठीक है। मैं नहीं बना रहा ब्लॉग, मैंने कहा चल अच्छा सही है ना बनाए, थोड़ी देर मुंह फुला के फिर कहते ओके फाइन हनी नाउ यू आर सेइंग, तो बना लेता हूँ। अरे ये यू बैठा होते हैं, मुझे नहीं बताना, they're constantly laughing यार, ऐसे तो नहीं बैठे हुए थे। अंजा ऐसे नहीं बैठे हुए थे, याद है आज तक उनकी लाइन, they're constantly laughing यार। दुनिया जी रोने वाले, रात की रूटीन तो हम पूरी करना भूल ही गए, मतलब कि हमें करनी है गाड़ी अंदर आगे पीछे इधर उधर, मतलब एडजस्ट करनी है बेसिकली। तो डैडी की गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरी गाड़ी और बाहर खड़ी हुई है, तो मेरी अपनी गाड़ी अंदर करनी है। दबाए रखो। खुद ही क्यों लॉक हो रहा है? ऑटोमेटिक है ना यार, ऊपर खींचो पहले। इसका बहुत सिक्योर सिस्टम है, ये चोरी नहीं हो सकती। लिसन, ग्रीन पट्टी देख के कोई वैसे भी चोरी नहीं। मैंने ब्रेक पे पैर रखा है, फिर भी पीछे जाए जा रही। आज आपको बताते हैं मज़े की बात, मुझे ना डैडी व्हाट्सएप पे एक मैसेज फॉरवर्ड किया डैडी ने कि ये देखो F11 में ना एक डकैती पड़ी है, और ये देखो इस तरह इतने ज़्यादा ना लोग घुस गए घर में और ये किया इन्होंने और सारा कुछ लूट के ले गए, ये देखो तुम लोग ताले वाले नहीं लगाते, ऐसे ही रहते हो ऊपर खड़े हैं वो टेरेस पे। चले कैफे पे विस्पर करता हूँ। तो उन्होंने मुझे मैसेज भेजा और उसके बाद बोलते हैं काइंडली कम्युनिकेट दिस टू योर मॉम एंड योर वाइफ एंड योर सिस्टर, कि मतलब बाहर ऐसे टहले ना तुम जो ऐसे वॉक पे चले जाते हो, ये जैसे हम वॉक पे चले जाते हैं ना, सो लाइक यू नो स्टफ लाइक दिस। ओके डैडी।